हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर्स, जो कि टीओसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, जो कि आज भी यूजफुल होंगी और आगे भी यूजफुल होंगी। तो अगर हम ग्रामर्स की बात करते हैं, तो ग्रामर्स हम लोग बेसिकली फोर टपल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले हम हाईलाइट देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले ग्रामर्स, ठीक है? ग्रामर्स के बारे में हम देखेंगे, उसका इंट्रो देखेंगे पहला तो। सेकेंडली हम उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे कैसे वो जनरेटर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं हम उसको, ठीक है? जनरेटर ऑफ लैंग्वेज। फोर्थली हम लोग देखेंगे पार्स ट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है? और फिफ्थली हम लोग लैंग्वेजेस को डिराइव करेंगे। तो ये पांच चीजें आज हमें कवर करनी है। अच्छा, इसका मोटिवेशन क्या है इसको पढ़ने का? ग्रामर्स हम लोग अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ना है, जिसने की लाइफ बहुत इजी बना दी थी उन लोगों के लिए जो कि पार्सर्स डेवलप करते हैं, ठीक है? जैसे कंपाइलर्स में हम लोग पार्सर्स यूज करते हैं, लेक्सिकल पार्सर हो गया वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें हम लोग ग्रामर्स और चॉम्स्की यूज करते हैं उसमें हैविली। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल तो ग्रामर्स के इंट्रोडक्शन से। तो ठीक है, ग्रामर का इंट्रोडक्शन मैं ऐसे देता हूँ। ग्रामर्स हमारी बोली जाती है जनरेटर ऑफ लैंग्वेज। बेसिकली ग्रामर्स को हम लोग यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए फुली, ठीक है? मतलब उस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो एक पर्टिकुलर ग्रामर से बनाई जा सकती है, ठीक है? सेकेंडली मैथमेटिकली मैंने कहा मैं डिफाइन करूंगा इसको। अगर कभी भी ग्रामर्स पूछा जाता है कि ग्रामर्स क्या है, तो हम लोग ग्रामर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फोर टपल रिप्रेजेंटेशन। हाउ? अगर मैं किसी भी ग्रामर को जी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, सपोज मैंने ये ग्रामर ले ली जी से, तो मैं इसका फोर टपल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दूंगा। इस ग्रामर में कुछ वर्टिसेस होंगे, कुछ टर्मिनल्स होंगे, कुछ प्रोडक्शंस होंगे और एक स्टार्ट सिंबल होगा, ठीक है? फ्लो में बोले तो VTPS, ठीक है? VTPS इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, अब ये सारी चीजें होती क्या क्या है ये लोग, ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? स्टार्टिंग के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सी ग्रामर लेता हूँ जिसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बट वो एक ग्रामर है, ठीक है? वो कुछ भी डिराइव कर सकता है, ठीक है? मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं उस ग्रामर को। इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इसको इंटरप्रेट हम ऐसे करते हैं, S changes to AA और S derives AA and further A derives A और B, ठीक है? ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। अच्छा, अब इस डेफिनेशन की करस्पॉन्डिंग मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करता हूँ वो मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है? मैंने कहा कि कुछ वर्टिसेस होती हैं, तो वर्टिसेस क्या है? मैं एक कन्वेंशन फॉलो करूंगा, जब भी मैं किसी वर्टिसेस को वर्टिसी को लिखूंगा तो मैं उसको कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं V की बात करूं, वर्टिसेस की बात करूं, तो वर्टिसेस है यहां पे एक तो हो गया तुम्हारा S और दूसरा हो गया A, कैपिटल, ठीक है? ये दोनों हमारे हो गए वर्टिसेस। अच्छा, सेकंड चीज की बात करूं अगर मैं टर्मिनल्स, यहां पे इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? टर्मिनल्स मैं रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा, मैं टर्मिनल्स को हमेशा स्मॉल लिखूंगा, ठीक है? तो इस ग्रामर की करस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स हो गए ए कॉमा बी, ठीक है? उसके बाद तीसरा टर्म यहां पे आता है प्रोडक्शंस। प्रोडक्शंस क्या होते हैं? प्रोडक्शन इज नथिंग बट द ग्रामर इटसेल्फ। मतलब जितने भी ये एरो वाले लाइंस हैं, अगर मैं इसको वन बोलूं, इसको टू बोलूं, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे अपन अपने प्रोडक्शंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन हो जाएंगे यहां पर एस चेंजेस टू ए एंड ए चेंजेस टू ए और बी, ये क्या हो गया मेरे प्रोडक्शंस हो गए। अब लास्ट चीज है स्टार्ट सिंबल। बेसिकली हमें कोई भी लैंग्वेज को डिराइव करने के लिए कहां से स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो हमारा स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है? यहां पे मैं स्टार्ट सिंबल मेरा क्या है, एस है, तो स्टार्ट के लिए मैंने क्या यूज कर लिया है, एस को ही यूज कर लिया है, ठीक है? तो ये हमारी हो गई ग्रामर।
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका, ठीक है। तो हमने ये चीज देख ली, हमने इंट्रो देख लिया, है ना। अब तीसरी चीज मैं तुम्हें जस्टिफाई करना चालू करूंगा, जनरेटर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जनरेट कैसे करती है लैंग्वेज, ये लिख रखा है सामने, लेकिन अब मैं देखूंगा कि इसमें से मैं कैसे लैंग्वेज जनरेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, ठीक है, लेंथ 2 की स्ट्रिंग अगर मुझे जनरेट करनी हो, ठीक है, लेंथ 2 की लैंग्वेज मुझे अगर जनरेट करनी हो, तो उस लैंग्वेज के चार स्ट्रिंग्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ए ए, ए बी, बी ए, बी बी, ठीक है। ये चार स्ट्रिंग्स हैं एक लैंग्वेज की। अब मैं इस पूरी लैंग्वेज को डिराइव करके दिखाता हूं यूजिंग दिस, ठीक है। पहला ए डिराइव करने जा रहा हूं मैं, है ना। तो ए को डिराइव करने के लिए मैंने हमेशा स्टार्ट करूंगा अपने स्टार्ट सिंबल से, जो कि है यहां पे एस, ठीक है। मैंने एस यहां पे लिखा, उसके बाद एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या डिराइव कर रहा है, ए ए डिराइव कर रहा है। तो एस इज प्रोड्यूसिंग ए एंड ए, यहां तक बात समझ में आती है। फिर मेरे को डिराइव करना है ए ए, मैं यहां से देख सकता हूं, अगर मैं सीधा ए को इस वाले प्रोडक्शन को यूज करके ए लिख दूं, और सिमिलरली मैं यही वाला प्रोडक्शन यूज करके इस वाले को भी अगर ए लिख दूं, तो मेरा स्ट्रिंग डिराइव हो सकता है ए ए। कैसे, ये जो चीज लिख रखी है ये कुछ नहीं है, ये एक पार्स ट्री है खुद में, ये वाली चीज ये है, ये एक पार्स ट्री है, ठीक है। पार्स ट्री क्या होता है, कोई भी ट्री ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स जो कि किसी स्ट्रिंग को डिराइव करने की कैपेबिलिटी रखे, है ना। और पार्स ट्री को अपने को कैसे रीड करना है, उसका एक स्पेशल फैशन है, कैसे हम रीड करते हैं, वो फैशन है गो टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मतलब जितना टॉप से चालू करो, जितना लेफ्ट और डाउन जा सकते हो जाते रहो, ठीक है। ये आ गया, मैं इस तरीके से मैंने स्ट्री को पार्स करना चालू किया, और वाइल पार्सिंग मैं जितने भी टर्मिनल्स आएंगे वो लिखता जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स, वेरिएबल्स नहीं, सिर्फ टर्मिनल्स। फॉर एग्जांपल, मैंने ये पार्स करना चालू किया, एस चेंजेस टू ए, ए चेंजेस टू टर्मिनल स्मॉल ए, तो मैं ए लिख दूंगा। फिर ऊपर आया मैं, फिर मैंने ए को देखा जो कि वेरिएबल है, फिर मैंने एस को देखा वो भी वेरिएबल है, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने टर्मिनल देखा ए, फिर मैं दोबारा ए को लिख दिया मैंने, फिर मैं ऊपर आया, ठीक है, फिर मुझे वेरिएबल मिला, फिर वेरिएबल मिला, और फिर मैं फाइनली कंप्लीट कर दिया मैंने ट्री। तो मुझे खाली दो वेरिएबल मिले, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने स्ट्रिंग में, है ना। पार्सिंग का ऑर्डर क्या था, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू बॉट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये पहली स्ट्रिंग मैं कह सकता हूँ कि जनरेट हो चुकी है ए ए, है ना। वैसे ही अब मैं सारी की सारी स्ट्रिंग्स तुम्हें जनरेट करता हूँ हल्का सा तेज, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सेकेंड स्ट्रिंग में जनरेट करूंगा ए बी, सिमिलरली जैसे एस है तुम्हारा ए ए में जा रहा है। फर्दर मैंने नोटिस किया कि मैं अगर मुझे ए बी जनरेट करना है, तो इस वाले एस को, ए को अगर मैं स्मॉल ए टर्मिनल से रिप्लेस कर देता हूं, और ये वाला डेरिवेशन यूज करके ए चेंजेस टू बी, इस वाले ए को अगर मैं बी में चेंज कर देता हूं, और उसके बाद इसका पार्स, इसको पार्स करता हूं पूरी लैंग्वेज को, इस पूरी डेरिवेशन को, तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, खाली दो टर्मिनल्स है ए और बी। तो मैंने ये स्ट्रिंग भी जनरेट कर ली ए बी, ठीक है। सिमिलरली मैं ये थर्ड स्ट्रिंग जनरेट करूंगा, है ना। थर्ड स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हम लोग ऐसे स्टार्ट किया, हमने ए ए पे आए, ठीक है। अब ए ए के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो हमने इस वाले प्रोडक्शन को यूज किया, ए चेंजेस टू बी, यहां पे ए किस में आ गया, बी में आ गया, और दूसरा वाला ए किस में आ गया, ए में आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको पार्स किया दोबारा से, ठीक है। जैसे ही पार्स किया, मैंने फिर से स्ट्रिंग डेवलप कर ली बी ए, बी ए, ये स्ट्रिंग बी ए डेवलप हो गई, है ना। अब मेरी फोर्थ और फाइनल स्ट्रिंग कौन सी है, बी बी, है ना। अब मैं बी बी को जनरेट करने जाऊंगा, एस चेंजेस टू ए ए, ए फर्दर चेंजेस टू बी यूजिंग दिस रूल, फिर से ए चेंजेस टू बी यूजिंग दिस रूल, देन अगेन मैं पार्स करूंगा, और स्ट्रिंग कौन सी जनरेट होगी, बी बी। अब देखो
मैंने ये लैंग्वेज डिफाइन की थी कि सारी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू, अब देखो उस टू लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है, ठीक है, पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग और चौथी स्ट्रिंग। तो मैं अब जस्टिफाई कर सकता हूं अपनी स्टेटमेंट को कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर इज अ जनरेटर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ग्रामर, ठीक है। ये वाली ग्रामर अगर तुम देखो, ठीक है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा और डिटेल में बताऊं ये ग्रामर क्या कर रही है, ये ग्रामर हमेशा इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को ही जनरेट कर सकती है, लेंथ टू हो, लेंथ फोर हो, लेंथ सिक्स हो, लेंथ एट हो, उस तरीके की स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकती है ये, है ना। अच्छा, बेसिकली ये एक यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है, ये ऑड लेंथ को भी जनरेट कर रही है, ठीक है, बट ज्यादा इंट्यूटिव इवन लेंथ यहां से लग रहा था तो मैंने वो चीज बोली है। अभी हम स्पेसिफिक ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको मैं रब करता हूँ फिलहाल, थोड़ी इंटरेस्टिंग ग्रामर लेके बात करता हूँ ताकि कंसेप्ट पूरा पूरा यहीं पे क्लियर हो, वो ग्रामर क्या हो जाएगी मेरी, ठीक है। अच्छा, ग्रामर से पहले मैं लैंग्वेज डिफाइन कर देता हूँ, जो लैंग्वेज ये ग्रामर ड्राइव करेगी वो लैंग्वेज है पैलिंड्रोम, ठीक है, और मेरा अल्फाबेट क्या रहेगा, 0.1 रहेगा, ठीक है, ताकि मैं उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रख सकूं, वरना पैलिंड्रोम्स हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं अपने अल्फाबेट में 0.1 लूंगा, मतलब 0.1 से बनने वाला हर एक पैलिंड्रोम ये हमारी जो ग्रामर होगी वो ड्राइव करेगी, ठीक है। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जस्ट बेसिकली कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो लेफ्ट और राइट से सेम रीड करे वो पैलिंड्रोम्स है। अगर मैं सिग्मा को ले लेता हूं हमारा 0.1, अगर सिग्मा मान ली 0.1 है तो इसमें एक पैलिंड्रोम मैं डिफाइन कर देता हूं, 0.00000 एक ऐसी स्ट्रिंग है, लेफ्ट से रीड करो राइट से रीड करो सेम है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अब मैं सीधे सीधे सबसे पहले ग्रामर लिखता हूं, है ना, वो ग्रामर क्या है, ठीक है, ये ग्रामर लिखी मैंने, ठीक है। अब ये ग्रामर कैसे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रही है वो समझते हैं। अगर मैं बोलूं जीरो, क्या ये खुद में एक पैलिंड्रोम है, लेफ्ट से रीड करो जीरो, राइट से रीड करो जीरो, तो ये अपने में क्या है, पैलिंड्रोमिक है, तो मैंने कहा पी जनरेटिंग जीरो, तो ये पैलिंड्रोम को जनरेट कर रहा है ना। दूसरी चीज, अगर वन को मैं देता हूं तो वन खुद में एक पैलिंड्रोम है, लेफ्ट से चाहे रीड कर लो चाहे राइट से रीड कर लो सेम रिप्रेजेंटेशन आएगी, तो फिर वन भी पैलिंड्रोम है, तो पी इज ड्राइविंग वन, दैट इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। नेक्स्ट थिंग मैंने तुम्हें बोला था कि एप्सिलॉन डॉट मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए यूज करता हूँ, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो चाहे उसको लेफ्ट से रीड कर लो चाहे राइट से रीड कर लो कुछ भी नहीं आएगा, तो वो भी पैलिंड्रोम है ना, वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, गिवन अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, और उसके राइट और लेफ्ट में मैं अगर सेम सिंबल को जोड़ देता हूं तो वो रिजल्टिंग चीज भी पैलिंड्रोम होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है 1-1 इज पैलिंड्रोम, ठीक है, अब इसके राइट और लेफ्ट में मैं कोई एक सिंबल जोड़ूंगा, सेम सिंबल जोड़ूंगा, और जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगी वो भी पैलिंड्रोमिक होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 0 और ये 0, देखो अगर मैं सेम सिंबल डालता हूं तो फिर हमेशा रिजल्टिंग स्ट्रिंग भी क्या होगी, पैलिंड्रोमिक होगी। ये पैलिंड्रोमिक था, अब देखो ये पूरा ओवरऑल चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ पैलिंड्रोमिक होगा, ठीक है। तो ये चीज, ये दोनों प्रोडक्शंस इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर पी इज पैलिंड्रोमिक तो अगर मैं इसके लेफ्ट में 0 जोड़ता हूं, उसके राइट में 0 जोड़ता हूं, तब रिजल्टिंग स्ट्रिंग भी क्या होगी, पैलिंड्रोमिक होगी। सिमिलरली अगर ये पी पैलिंड्रोमिक है तो मैं इसके लेफ्ट वाली चीज भी, लेफ्ट में अगर 1 जोड़ता हूं राइट में भी 1 जोड़ता हूं, तो ये भी रिजल्टिंग स्ट्रिंग भी क्या होगी, पैलिंड्रोमिक होगी। अच्छा, अब हम कुछ पैलिंड्रोम्स इसमें से डिराइव करके देख लेते हैं ताकि हम उसको बोल सके कि ये लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग, चलो हम 0110 से ही स्टार्ट करते हैं, मैं इसी को जनरेट करने लग जाता हूं सबसे पहले, है ना। मैंने पी से स्टार्ट किया, है ना, अब मुझे क्या चाहिए, 0110 चाहिए, है ना। तो अगर देखो सबसे आगे पीछे क्या है, 00 है और बीच में एक स्ट्रिंग है, तो अगर मैं इसको यूज करूं तो वो सेम चीज सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इस प्रोडक्शन को यूज करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 और ये आ जाएगा P और ये क्या आ जाएगा,
जीरो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब इस पी के, इस पी की जगह आपने को क्या जनरेट करना है, वन वन जनरेट करना है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे जीरो जीरो तो मेरे कॉर्नर्स पे आ चुका है, मुझे लाना है वन वन। अब देखो वन यहां पे कौन कौन दे रहा है, अगर मैं इस प्रोडक्शन को यूज कर लेता हूं तो ये सीधा क्या कर देगा, वन दे देगा, लेकिन स्ट्रिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास आगे कोई वेरिएबल है ही नहीं एक्सपैंड करने के लिए, तो हमारी स्ट्रिंग नॉर्मल क्या हो जाएगी, जीरो वन जीरो, वो भी एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोग जनरेट इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं पी को वन से नहीं सब्स्टिट्यूट करूंगा, बल्कि मैं इसको जनरेट, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा वन पी वन से। अगर मैं इसको वन पी वन से सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये वन आ गया, ये पी आ गया और ये वन आ गया, ठीक है। अब यहां तक मेरा बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है, जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, एक ये पी है जिसको मुझे एक्सपैंड करना है, उसके बाद वन भी आ रहा है एंड उसके बाद जीरो भी आ रहा है। बेसिकली अगर तुम नोटिस करो, चारों सिंबल्स हम लोग ले आए हैं और करेक्ट ऑर्डर में। अब बस अगर ये पी गायब हो जाए तो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो गायब करने के लिए हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो अगर हम पी को एम्प्टी से रिप्लेस कर दें जो कि एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम जब पास करने लग जाएंगे तो हमें सबसे पहला टर्मिनल मिलेगा जीरो, हमने जीरो लिखा। दूसरा टर्मिनल हमें मिलेगा वन, हमने वन लिखा। तीसरा टर्मिनल हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तीसरा टर्मिनल हमें मिला एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम उसको कुछ भी नहीं है, उसको एम्प्टी सी, इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम उसको छोड़ दें। नेक्स्ट हमें टर्मिनल मिलता है वन और उसके बाद हमें टर्मिनल मिलता है जीरो, ठीक है। तो ये देखो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो चुकी है, जीरो वन वन जीरो। और ये वाली जो ग्रामर है, ये पर्टिकुलर ग्रामर, ये सारे के सारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही जनरेट करेगा, ठीक है। अब ग्रामर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है, हमेशा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रामर सिर्फ वही स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है जो कि उस लैंग्वेज में हो, उस लैंग्वेज के आउटसाइड वो कुछ भी जनरेट नहीं करती है, ठीक है। ये गारंटी होती है एक ग्रामर की, है ना, अगर वो करेक्टली डिफाइंड है तो। तो अगर हम दोबारा अपने हाइलाइट्स में आए, तो हमने कवर किया ग्रामर्स क्या क्या होते हैं, इंट्रो देख लिया हमने उसका, मैथमेटिकल डेफिनेशन देख ली हमने उसकी, जनरेटर ऑफ लैंग्वेज कैसे कहते हैं और हमने लैंग्वेज भी जनरेट करके देख ली उसकी, उसके बाद पार्स ट्री क्या होता है, पार्स ट्री है ये, ठीक है। डेरिवेशन कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि कैसे तुम सिंबल्स को क्रिएट कर सकते हो, कैसे तुम स्ट्रिंग को पूरी पूरी जनरेट कर सकते हो। तो हमने ये सारे के सारे बेसिक्स कवर कर ली। अब हम नेक्स्ट जो चीज उठाएंगे वो होगी चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कि बिल्ड है ग्रामर के ऊपर। और अगर तुम्हें ग्रामर में हल्का सा भी तुम्हें लगता है कि अभी इतने कायदे से समझ में नहीं आया, तो फिर वेट करो, हम ये चीज दोबारा से डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट यूनिट, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 2 है। फिर से वही बात, तुम्हें इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट्स हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे और जो स्क्रीनशॉट्स भी हैं वो भी हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, और हमारी वेबसाइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम नोट्स और तुम इसकी स्क्रीनशॉट्स दोनों चेकआउट कर सकते हो, तुम यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है।